अकबर मियाँ, ये तुम्हारी अब कैसी तबीयत है? पैर कुछ बेहतर हुआ? और डॉक्टर ने क्या कहा है, पैर की पट्टी कब तक उतरेगी? अब भी अल्लाह का बड़ा करम है, बेहतर हो रहा है काफी। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगले हफ्ते पट्टी भी खोल देंगे। इंशाल्लाह, बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा। शादी के सारे इंतजाम तुमने और तबस्सुम ने मिलके संभालने। जी, चाय बन गई होगी, मैं लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अकबर की दाया की बेटी है, शहजादी। आप दरअसल अपनों के साथ मसरूफ थी तो मैंने सोचा मैं ही सबके लिए चाय बना दूं। चची जान ने मेरा तारुफ तो करवा ही दिया होगा। दरअसल मेरी और अकबर की बचपन में निस्बत भी रह चुकी है। क्या जरूरत थी उस शहजादी को मेरे माँ बाप के सामने उल्टी सीधी बात करने की? वैसे बुरा मत मानिएगा, आपके खानदान की औरतों में ना जरा से भी शर्म हया नहीं है। सिर्फ शहजादी को ही क्यों बोल रही हूँ, आपकी अम्मा भी कौन सी कम है? देखो, तुम इस तरह नाराज तो मत हो। मैं अब्बी और अम्मी से बात कर लूंगा, उन्हें भी मालूम है कि इस तरह की कोई बात है ही नहीं। पता नहीं शहजादी को क्या हुआ था जो ऐसी बात कर दी। हालांकि उसको इस तरह की बात सबके सामने कर देना जेब नहीं देता। और बता दीजिए उसको, सिर्फ नाम की शहजादी है वो, कहीं की महारानी नहीं लगी हुई जो सारा दिन घर में तैयार होके घूमती फिरती रहती है वो। ये शरीफों का घर है, ये फैशन शो नहीं है। अच्छा बस भी कर दो ना तबस्सुम, शहजादी मेहमान है, चली जाएगी वो। तुम खामखा परेशान हो रही हो। खामखा परेशान नहीं हूं, आपको शायद दिखाई नहीं दिया अम्मी और अब्बी कितना परेशान होकर गए यहां से। बेचारे अम्मी अब्बी की परेशानियां क्या काम है पहले से? अम्मी, मेरे गले में दर्द हो रहा है और बहुत सारी खांसी हो रही है। ये बहुत सारी खांसी क्या होती है? खा लिया को कुछ उल्टा सीधा खाकर तबीयत खराब करके मेरे पास आ जाती हो ताकि मुझे टेंशन हो। तबस्सुम बेटा, तुम जाओ, अभी पिला रहे हैं तुम्हें, दवाई पिला रहे हैं, तुम जाओ। तबस्सुम, क्या हो गया तुमको? क्यों दूसरों का गुस्सा इस बच्चे पर उतार रही? जाओ, जाके उसको दवाई पिलाओ ना, तबीयत खराब है उसकी। बोल तो ऐसे रहे जैसे मुझे फिक्र नहीं है उसकी। जाहिर है दूंगी दवाई उसको। मेरी तरह कितने मर्द होंगे जो रोज अजियत का शिकार होते होंगे अपने अपने घरों में। इन औरतों को कौन समझाए?